नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशन ये सब ट्यूशन क्लासेस ये सब एकेडमिक जगहों पर स्टूडेंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स का आइडेंटिटी कार्ड तैयार करना पड़ता है, तो वो आइडेंटिटी कार्ड हमारे सॉफ्टवेयर में से कैसे तैयार करते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रास्ता हम आज बताएंगे। ये देखिए, ये इस टाइप का आइडेंटिटी कार्ड डालने के लिए प्लास्टिक का रैपर आता है जो 10-15 पैसे में आ जाता है, और ये प्रिंटिंग की कॉस्ट लगती है 5-10 पैसा, और ये पेपर हमने अंदर डाल दिया। ये देखिए, ये पूरा आइडेंटिटी कार्ड तैयार हो गया। तो ये इस तरीके से ये सस्ता आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, मतलब खर्च बहुत ही कम आता है और एकदम प्रोफेशनल लगता है। तो आइए देखते हैं उस टाइप का सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इस टाइप का आइडेंटिटी कार्ड हम प्रिंट कर सकते हैं, हम पूरा डिटेल में ये वीडियो के अंदर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम डेस्कटॉप के ऊपर चले गए। ये देखो, डेस्कटॉप के ऊपर पूरा आइडेंटिटी कार्ड तैयार है। यहाँ पर ये स्कूल का नाम है, स्टूडेंट का नाम है। हम देखते हैं कैसे करते हैं ये। ये हमने यहाँ पर ये बंद कर दिया, और ये हमारे स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर चले गए। यहाँ पर हम स्पेसिफिक क्लास वाइज, स्पेसिफिक स्टूडेंट के नाम वाइज हम सर्च कर सकते हैं। हम पूरा क्लास का ले लेते हैं, जैसे T1 करके क्लास है, यहाँ सर्च का बटन दबा दिया। ये देखो, सभी स्टूडेंट्स का नाम आ गया। ये स्टूडेंट की डिटेल जो है हम अंदर भर देते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह जो भी है उसका एड्रेस है। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये एड्रेस डाल दिया, उसका ड्राइवर कौन है उसकी पूरी डिटेल हमने डाल दी है। यहाँ पर उसका फोटोग्राफ भी हम अपलोड कर सकते हैं डबल क्लिक करके। तो ये हमने डिटेल स्टूडेंट की पूरी डाली हुई है। अब हम चलते हैं, हमको इसका आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट करना है। कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये हमने देखो यहाँ पर ये दो टिक मार्क कर दिए जो स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट करना है। और अब हम यहाँ पर ये देखिए, ये आईडी कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक करते ही इसकी शीट तैयार हो जाएगी, इसका फॉर्मेट रेडी, और ये पूरा कस्टमाइज भी हो सकता है। आप जैसे बोलेंगे उसके हिसाब से हम पूरा बना के देते हैं। इसको हम जूम कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा डिटेल आ गया। यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा स्कूल का नाम आ गया, यहाँ पर उसका जो भी टैगलाइन है वो टैगलाइन आ गया, एड्रेस आ गया, स्टूडेंट का नाम आ गया केतन शाह, ये क्लास डिवीजन ईयर एड्रेस पूरा आ गया, मोबाइल नंबर आ गया स्टूडेंट का, ब्लड ग्रुप आ गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ड्राइवर जो भी ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है वो ड्राइवर का नाम और उसका फोन नंबर और टीचर साइन, यहाँ पर स्कूल का एम्बलम भी हम डाल सकते हैं। और ये हो गया स्टूडेंट का फोटोग्राफ। ये देखिए, दूसरा हम देखते हैं ये साइड पे, ये देखिए रमेश तलाटी हो गया, उसका स्टूडेंट का फोटोग्राफ आ गया, और पूरा उसका एड्रेस, फोन नंबर, उसका ड्राइवर, सब डिटेल ऐसे आ जाती है। अब हम इसको प्रिंट करना है, तो ये देखिए, ये प्रिंट के बटन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया और ये ओके कर दिया। ये हमने प्रिंटर के अंदर, ये देखो, ये पेपर हमने डाला हुआ है, तो ये प्रिंट हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा डिटेल प्रिंट हो गया फ्रेंड्स। और ये इस तरीके से ये पूरा आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट हो जाता है। हम इस आइडेंटिटी कार्ड को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं सिंपली, ये हमने फोल्ड कर, और कुछ नहीं। ये देखिए, ये हमने पेपर जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसके अंदर ये तैयार हो गया। तो ये इस तरीके से हम स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड हमारे आई जीनियस सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।